सिर्फ नमस्कार दोस्तों, आप फिर से बहुत बहुत स्वागत है टेक फैक्ट चैनल पे। और आज मैं बात करूंगा मेरे कार्ड कलेक्शन के बारे में। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको बताना हूँ सिर्फ उन कार्ड्स के बारे में जिनको मैं जनरली यूज करता हूँ, क्योंकि और इनमें से बहुत सारे कार्ड्स का अनबॉक्सिंग, रिव्यू, कंप्लीट डिटेल्स, फीस, चार्जेस, सब कुछ, एलिजिबिलिटी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना करके आपके चैनल पे दे रखे। आप जाके चैनल एक्सप्लोर कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक भी दिया गया है, ऊपर आई बटन में भी मोस्ट प्रोबेबली जिनका लिंक दिया सकता है सबका लिंक दिया गया है। क्योंकि वैसे तो मेरे पास बहुत सारे कार्ड्स हैं और उन सब की अगर मैं वीडियो बनाने बैठा तो बहुत ही लंबी हो जानी है। बट यहाँ हम बात करेंगे हमारे नॉर्मल कार्ड्स की जो मैं जनरली यूज़ करता हूँ, और मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर आपके पास भी इनमें से कुछ कार्ड्स अवेलेबल हो तो अच्छा रहेगा। तो बात करते हैं सबसे पहले डेबिट कार्ड्स की। तो ये आप देख सकते हैं, ये है मेरा HDFC का डेबिट कार्ड। ये एक बस नॉर्मल क्लासिक अकाउंट खुलवाने पर आपको ये डेबिट कार्ड मिल जाता है। मास्टर कार्ड प्लैटिनम कार्ड है ये, और इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि आपको पता है HDFC के साथ बहुत सारे आपको रिवॉर्ड्स देखने को मिल जाते हैं, और इसमें भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट के साथ में बहुत सारे फंक्शन और फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और ये कंप्लीट एक प्लास्टिक कार्ड है, ओवरव्यू अच्छा है, लुक अच्छा है, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सपोर्टेड है, मास्टर कार्ड के साथ में आता है। और हाँ, एक प्रॉब्लम बहुत से लोगों की थी दैट मास्टर कार्ड के बारे में लोग बोल रहे थे कि मास्टर कार्ड का कार्ड काम नहीं करेगा क्या, तो बिल्कुल गलत बात है। मास्टर कार्ड का जो डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड आपके पास पहले से अवेलेबल है, वो सारे कार्ड काम करेंगे। बस जो अब नए हैं वो इशू ही नहीं होंगे, तो काम करना तो बहुत अलग की बात है। बट अगर आपके पास ऑलरेडी मास्टर कार्ड के से पावर्ड कोई भी कार्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कब लिया उसे, दे विल बी कंटिन्यू वर्किंग, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए इशू बिल्कुल मत कीजिए। सेकंड है मेरे पास कोटक महिंद्रा कार्ड। ये मैंने एक कोटक एज सेविंग अकाउंट खुलवाया था, उसके साथ में मुझे मिला था। ये है क्लासिकल वीज़ा डेबिट कार्ड, और इसकी भी लिमिट कुछ ज़्यादा खास नहीं है, सेम टू सेम दोनों। इन दोनों कार्ड्स की लिमिट जो ऑलमोस्ट सेम है, डेली विथड्रॉल लिमिट्स और इन सभी लिमिट्स की बात करें तो। एंड ये है मेरे पास दूसरा कार्ड, ये है ICICI का टाइटेनियम डेबिट कार्ड, और ये एक सेमी प्रीमियम कह सकते हैं आप, मिड प्रीमियम सेगमेंट का कार्ड है जो ICICI की तरफ से आता है। और ये मैंने लिया था नवंबर में। एक नॉर्मल ICICI का अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको ये कार्ड देखने को मिल जाएगा, और इस कार्ड की जो लिमिट है बहुत ज़्यादा है। पहले तो ये 1 लाख रुपये के आसपास थी इसकी कैश विड्रॉल लिमिट, बट अब 3.5 लाख के आसपास हो गई है, और अप टू 7.5 लाख मैं POS पे या फिर इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली कहीं पे भी खर्च कर सकता हूँ। नेशनल इंटरनेशनली दोनों वैलिड है, और ये भी मास्टर कार्ड पावर्ड है और ये काम करता है, ये सब मैंने टेस्ट करे हुए हैं। ये है मेरा पंजाब नेशनल बैंक का डेबिट कार्ड। एब्सोल्युटली जो मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड के साथ में आते हैं सारे के सारे इंटरनेशनली होते हैं, बस ट्रांजैक्शन आजकल इनेबल करना पड़ता था, तब आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये भी आपको नॉर्मल बैंक अकाउंट खुलवाने के साथ में मिल जाता है। इसमें वैसे एक्चुअली बताऊं तो ये बैंक अकाउंट खुलवाने का कोई अर्थ नहीं है, कोई आपको इसमें बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, कोई फीचर्स नहीं मिलता। ये पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट बस कार्ड ये यूँ ही पड़ा रहता है। आज तक मैंने भी इससे कुछ ज़्यादा खास ट्रांजेक्शन किए नहीं हैं, तो आप अगर कोशिश कर सके तो अवॉइड कीजिए। अगर आपको जीरो बैलेंस का नॉर्मल अकाउंट चाहिए एक गवर्नमेंट बैंक के अंदर, तो SBI प्रेफर कीजिए, बहुत ज़्यादा लॉट बेटर है इससे, इससे तो बहुत ज़्यादा बेटर है। अब बात करते हैं हमारे जो प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड है उनकी बात करता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मेरे पास ICICI का मल्टी करेंसी प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड। ये मल्टी करेंसी एक प्रीपेड कार्ड है, इसके अंदर पहले पैसे लोड करने होते हैं, देन आफ्टर यू कैन स्पेंड एनीवेयर थ्रू आउट द वर्ल्ड, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं। हालांकि इस पर करेंसी कन्वर्जन चार्जेस बहुत ज़्यादा लगते हैं, इसलिए इसको मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता यूज़ करना, और मैं भी आपको कहूँगा कि इसको यूज़ मत ही लीजिए या बनवाइए ही मत, ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे भी अच्छा एक ऑल्टरनेटिव आपको बताता हूँ अभी जस्ट में। तो ये भी कार्ड है, कार्ड बहुत अच्छा है, एक्चुअली मैट फिनिश टाइप में आता है, कार्ड की लुकिंग डिजाइनिंग भी अच्छी है। ये हमारा दूसरा एक फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड, इसे इंडिया में भी यूज़ कर सकते हैं। ये इकलौता फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड है जिसको आप इंडिया में भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये आता है न्यू ग्लोबल की तरफ से, DCB बैंक के पार्टनरशिप के साथ में, वीज़ा प्लैटिनम कार्ड है। और कुछ ये जो आप देख रहे हैं ये चीज़, ये इनग्रेव्ड है इसके ऊपर, ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है। कार्ड के अंदर डिज़ाइनिंग, स्पेशल डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगती है, एंड ये पीछे से और आगे से कुछ ऐसा लुक है इसका। और ये जो कार्ड है आप इंडिया में भी यूज़ कर सकते हैं, फॉरेन में भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कंट्री में जाकर के जहाँ पे भी वीज़ा से सपोर्टेड पेमेंट्स एक्सेप्टेड होते हैं वहाँ आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप इंडियन रुपीज़ लोड कर सकते हैं और आप कहीं पे भी किसी भी कंट्री में स्पेंड कर सकते हैं। इस कार्ड से बहुत ज़्यादा बेटर फॉरेक्स कार्ड ये है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है इसके भी, तो आप जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स बेनिफिट्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, तो आई रिकमेंड कि अगर आप फॉरेक्स कार्ड लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं। और एक दूसरा फॉरेक्स कार्ड आपको बताता हूँ, वो ये है HDFC की तरफ से आता है रेगालिया फॉरेक्स प्लस कार्ड। इसके अंदर वायरलेस पेमेंट भी सपोर्टेड है, इसमें नहीं था, इसमें और इसमें कोई वायरलेस पेमेंट सपोर्टेड नहीं है, बट इसमें टैप एंड पे या फिर वायरलेस पेमेंट अवेलेबल है। ये HDFC की तरफ से रिकालिया फॉरेक्स प्लस प्रीपेड कार्ड है, और इसके अंदर भी आपको पैसा लोड करने तो US डॉलर्स में, देन आफ्टर से आप किसी भी करेंसी में स्पेंड कर सकते हैं। मास्टर कार्ड पावर्ड आता है, ये भी बहुत शानदार फीचर्स इस कार्ड के अंदर, बेनिफिट्स भी आपको ठीक ठाक मिल जाते हैं देखने को। अगर आप HDFC का अकाउंट के साथ इसे लोड करते हैं तो आपको और भी बेनिफिट देखने को मिल जाएंगे, माइलस्टोन बेनिफिट्स भी हैं इस कार्ड पे। तो अगर आप एक अच्छा सा फॉरेक्स कार्ड ढूंढ रहे हैं तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस तो यही रहेगी DCB न्यू ग्लोबल कार्ड।
बट सेकंड में आप इसे प्रेफर कर सकते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा कार्ड है। तो बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की, तो ये है मेरा ICICI का प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड, ये मुझे मिला था इंस्टा FD अकाउंट खुलवाने पे। इसका कंप्लीट अनबॉक्सिंग रिव्यू ऑलरेडी कर चुका हूं मैं चैनल पे, आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, बट एक बेसिक क्रेडिट कार्ड है जो ICICI की तरफ से आता है, लाइफ टाइम फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, ना ज्वाइनिंग ना ईयरली फीस है। दो पेमेंट पॉइंट आपको हर 100 रुपये स्पेंड करने पे मिल जाते हैं, और मेरे ख्याल से एक अच्छा कार्ड है जो आपको कंसिडर करना चाहिए। यह है मेरा कोटक 811 कार्ड, और यह है डीम डिफरेंट कार्ड जो बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन और लुक्स के साथ में आता है। ये भी बहुत सुंदर कार्ड है, इस पर भी अच्छे खासे आपको बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा नहीं है इसके, बट यस माइलस्टोन बेनिफिट्स अच्छे हैं, जॉइनिंग बेनिफिट्स अच्छे हैं, रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, खास नहीं है, बट यस FD पे लेने वाला ये कार्ड एक अच्छा है, और ये भी कार्ड एक अच्छा चॉइस है। बट अगर इन दोनों में से आप मुझसे पूछें, मैं ICICI रिकमेंड करूँगा, क्योंकि आपको पता है ICICI के ऑफर्स ज़्यादा आते हैं ऑनलाइन कोटक से। और ये है मेरा एक आखिरी कार्ड जो इस कार्ड के सेगमेंट क्रेडिट कार्ड के सेगमेंट में आता है, ये है वन क्रेडिट कार्ड बाय IDFC बैंक। आप देख सकते हैं पावर्ड बाय IDFC बैंक, कैमरा फोकस कर रहा है, ओके। और ये है एक मेटल कार्ड, ये प्लास्टिक कार्ड नहीं है, मैंने जितने भी कार्ड आपको दिखाए सारे प्लास्टिक कार्ड है, ये एक मेटल कार्ड है, और इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं, 10x रिवॉर्ड पॉइंट और भी बहुत सारे स्पेशल बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं। इसका भी अनबॉक्सिंग रिव्यू कंप्लीट डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पे कर चुका हूँ, आप जाकर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक क्लिक करके, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक क्लिक करके या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इसका वीडियो भी कंप्लीट देख सकते हैं, कैसे आपको ये बिल्कुल फ्री में मिलेगा, लाइफ टाइम फ्री कार्ड है। और ये आखिरी में है पे बैक कार्ड है, ये वैसे आजकल तो पे बैक ने इशू करना बंद कर दिया है, बट ये बहुत पुराना कार्ड है, पे बैक की तरफ से आता है, बिग बाजार के स्टोर्स पर आपको इजीली मिल जाएगा इसका एप्लीकेशन। और ये पे बैक कार्ड है, इसके अंदर मुझे मिलते हैं बहुत सारे रिवॉर्ड पॉइंट, आप कहीं पे भी शॉपिंग कीजिए, जो भी पार्टनर्ड पेबैक साइट्स हैं, वेबसाइट्स हो सकती हैं, ऑफलाइन पार्टनर स्टोर है, वहाँ अगर आप शॉपिंग करेंगे तो आपको इसकी बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, आप किसी भी कूपन टाइम पे से रिडीम कर सकते हैं, एक बहुत अच्छी चीज़ है। पेबैक पे मैं कंप्लीट वीडियो बनाना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं इसके बारे में कंप्लीट डिटेल जानना तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं जरूर इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो ये थे मेरे कुछ बेसिक कार्ड्स के ओवरव्यू, और ये जो मैंने जनरली यूज़ करना पसंद करता हूँ यूज़ करता हूँ, और इनमें से कुछ कार्ड आप लीजिए अच्छा रहेगा, मैं रिकमेंड भी करता हूँ आपको। और इनमें से बहुत सारे कार्ड्स का अनबॉक्सिंग रिव्यू कंप्लीट डिटेल्स फीस चार्जेस सब कुछ एलिजिबिलिटी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना करके आपको इस चैनल पे दे रखे, आप जाके चैनल एक्सप्लोर कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक भी दिया गया है, ऊपर आई बटन में भी मोस्ट प्रोबेबली जिनका लिंक दिया सकता है सबका लिंक दिया गया है, और कंप्लीट डिटेल देखें। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी रह जाती है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर से देगा, और अगर चाहते हैं किसी और टॉपिक में वीडियो तो नीचे उसको भी कमेंट कीजिए, उसमें भी वीडियो जरूर से जरूर देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड थैंक यू।